तड़का ही किसी ने मुकदमा करना हो तो रात न करियो मेरे ऊपर, मेरे पड़वा दियो तो हम ही पुंजड़ जिस तरह। लेकिन जिस दिन आमना सामना अगर यो काम करता को गया ना, उस दिन सिद्धो कंपर भाई मैं मारू साला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया दोस्तों। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि कालू कुड़ल बदनाम गो भगत बात बात पर देता है जान से मारने की धमकी, वो बड़ी वजह जानूंगा क्यों इतना गुस्से में नजर आते हैं, लोगों को कह देते हैं कि मैं जान से मैं मार दूंगा, क्या बड़ी वजह है कि इस प्रकार की धमकियां वो गौ सेवा में देते हैं या क्या बड़ी वजह है? और ये कालू कुड़ल है और ये इनकी गौशाला है अभी काफी नया। राम राम आपको। जितने भी साथी जो यहाँ के ऊपर सारे की व्यवस्था कराए करे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जोड़ की ने। राम राम। ये आज किसकी स्पेशल, किसी की स्पेशल चल रही है? नहीं तो जिस तरह भराता जी इतना भाई आ गया, तो पल तो जिस तरह भाई एक एक दो दो दिन लिगड़ जाता। राम राम भाई, तो अब तो डेली रूटिंग से ये काम होता रहता है, तो ईब जीत करके ने ये साथी चढ़ा दी यहाँ पे दिखा दें। जैसे ये भाई भी कुछ ना कुछ यहाँ गौशाला में भाई। हाँ ये भाई ही है, तो ईब इनको फोन आए थो और जो भी है मेरा छोटनिया साथी। क्या डाला जाता है कालू भाई इसमें? इसके अंदर गुड़े मेथी और दलिया और कैल्शियम। अब ये ड्राम जैसे कैल्शियम वाला खाली हुआ है आप लोग देख सकते हैं एक बार, तो कैल्शियम भी जिस तरह इसका मैं ही गेरा हाँ। और पाँच छह फेरियो बाल्टी भर भर किन सारी अंधी लंगड़ी तीन पाए की माई ही इन तक खुआ जा इनको पेट भर जा है। और आत्मा से इसका देखो अनुचल है विनोद भाई की भैया तो हम तो कालू और न लागो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये चीज अगर अवेलेबल कराते हो तो इस धर्म के आप ही कारण हो। हाँ हिस्सेदार आप हो भाई, मारो के है आपने करवाया तो हमने डाल दिया। हाँ जी एक बात आपसे करूंगा, मैंने जैसे थंबनेल में और टाइटल में एक बात लिखी है कि कालू कुड़ल बदनाम गो भगत बात बात पर देता जान से मारने की धमकी। बदनाम वाली तो भ्राता जी, बदनाम वाली तो इसी करो आप, बदनाम आप करता होगा, बाकी मैं तो भाषा मेरी गलत है, भाषा मेरी नहीं। लोग कहते हैं ना बोला कालू कुड़ल, कुछ लोग लिख देते हैं कालू कुड़ल भाई कहनिया हो तो सुसरा हो के अगर आना कहनिया हो तो मुंह पर तो कौन आओ, सुसरो मुंह पर आओ तो मैं इलाज भी कर दूं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। आड़क है या चार दीवारी है, इसके भीतर एक भी गऊ आपको दूध वाली नहीं मिलेगी, एक भी ठीक नहीं मिलेगी। आप लोग दिखा सकते हो, यार अंत लाइक जाओ भाई यार जिस तरह इसको पार टूट रहे हो, अरे एक गऊ लगभग पार टूटेडी अंधी उर्ली साइड ने सिंगवा मदनेडी से एक बैल जो है इसको जम्बा सिस्टम खराब हो रहे हो सिर को। ये भगत गो भगत तो ये सांड भी देख जी जी है इसने आप जी है इसको खड़ो हो रहे हो देख लो एक बार दिखा इसको भराता जी आप बहुत बड़ो खड़ो है इसका। और इब तो यो जम्मा ठीक होने की कगार के ऊपर आ रहे यार, हम इंसान है हमारा कर्तव्य है कि बेजुबान की मदद करना, तो यो खा गयो कि मैं हम तो कुत्तों भी डाले कुत्तों भी से मार दो रहे हम दस एक दिन पहले मोटरसाइकिल वाले मुंह पर काट ले गयो और वो आज बढ़िया डालते बच्चे कुत्ते ले बेटा एक बार। अच्छा बात करेंगे, शुरुआत गो भक्ति से हुई और बाद में सभी पशुओं के प्रति पक्षियों के प्रति प्रेम। आदमी आदमी हाँ यार जिसो भी बना इंसान हाँ अपनी सारी सोचन शक्ति आदमी तो जिद करके ना भाई कर्तव्य हरेक आदमी को बना, मेरा क्या बना मैं क्या भगवान अलग थोड़ी कह रहे हो सारा एक कोई कर्तव्य बना है। जितना भी साथी देखे है कि हर इंसान को बेजुबान की मदद करनी चाहिए। बात करेंगे आपसे ये बात जानूंगा, मैंने जैसे टाइटल बताया करो जिस तरह या भाई दो साल पहले एक्सीडेंट हुई थी आयो रे तीन पाए ऊपर रहसिया या मेरी दया नहीं है इन मेरा साथिया ही दया है। यो बच्ची दिखाओगो ये एक हफ्ता पहले यो कुत्तो देख लो इसका नीचे वाला जवाड़ा नहीं है और ये हमारे इन साथियों ने छोटे साथियों ने इसको बचाया और आज ये अच्छी तरह से सक्षम घूमता फिरता है भागता है, तो भाई इससे खुशी की बात और क्यों है। कहीं ना कहीं थैंकफुल है कालू कुड़ल और इनकी टीम का इन गो सेवकों। नहीं मेरा तो देख भाषा है और मेरा तो देख साथी मेरा मेरी मदद और मेरी कहिए भी आपका धर्म आपको वो करने लग रहे हैं। हालांकि यो रहे हो एक पैर इसका नहीं है, हमने जिस तरह कलोठ गाँव से ये देख लो एक बार एक पाँव इस साइड पर इसको अड़त नहीं है, तो इसने भी लेकिन और आराम तक इसकी सेवा बाड़ी साथी अड़ करी बढ़िया चाट के रही है भाई और वो चाट के हकदार आप है, हम नहीं मार दौड़ता उसको हमें घेर दास। लेकिन वो धमकी वाली बात तो बता दो वो क्यों धमकी इस तरीके से भाई वो क्यों कर इस तरह मैं बता दूं। आज अरे गम्मा में खेती कर रखी है अरेक आदमी परेशान है, खेती हमने भी कर रखी 22 किलो में खेती कर रखी मतलब 22 किलो लेकिन यार पशु मुंह मारे गो। एक बात और भी आया है विनोद भाई कि जहां पे उम्मीद होती वहां के ऊपर जाया जाता है, इन्हें भी तो यार ये पेट खड़े भरेंगे रोड के ऊपर सड़क से कोयलो कोयलो खा लेगा के फिर गम्मा में जिस तरह ब्लॉक है बोलो खाले खेतम तो यार जानो पड़ेगा और चरणों पड़ेगा चाहे वो मेरर हो चाहे आपको और चाहे किसी का एंडी का हो यार।
लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि भाई मोंड पाया करें दो चेहरे गम्मा गिल्ली जिनकी डाल किस्त नहीं पट्टा हुआ गांव की गांव उठ्या करें अक भाई ले मैं छोड़ांगो मैं कितने छोड़ो एक गड्डी आड़ा कुडल छोड़ गया बनी में कैरू छोड़ आया एक डीगा वह छोड़ आया एक बांस छोड़ आया चल दिया मैं तो फकाऊंगा टूट जाए टांग टूट जाए किसी और पार टूट जाए किसी रीट किया डी टूट जाए ये सोल्यूशन है क्या आप लोग बताओ अपनी जबान से बताओ ये तो आपका भी कर्तव्य आप रिपोर्टर के माध्यम से नहीं एक इंसानियत के नाते आपका क्या कर्तव्य है ये बताओ चीज मान लिया आपको तो गुस्सा आता है उनका क्या बताऊं सो भाई सोल्यूशन तो यो है भाई मैं सच्चाई बताऊंगा आड़े खड़े हो किन तड़का ही किसी ने मुकदमा करना हो तो रात्य न करियो मेरे ऊपर मेरे पड़वा दियो था मैं पुंजड़ जिस तरह लेकिन जिस दिन आमना सामना अगर यो काम करदा को होगा ना उस दिन सिद्धो कंपर भाई मैं मारू उस साला केस हो जाएगा केस उड़ते केस आदमी है पता डांगरा थोड़ी हो यार आप अड़प कर दियो भाई तो मैं तो नुवी को हूँ और जितना भी साथी इस वीडियो ने एक बार शेयर जरूर करियो कि पिकअप भर भर के गाँव के अंदर इन गऊ को न छोड़े क्योंकि तावड़ का मैं छोड़ो शांति प्रिय ढंग तो है गाम राम कट्ठो की लठ मारे गो तावड़ तावड़ का मैं पा तोड़ दी है भी ऐसी गाय जिनका पैर टूट रहे हो इस तरीके से ये सारा इस तरह टूट रहे हैं ये सारी नुई तो सी है चाल दमत फैकेड़ा सी है और ज्यादा नंदी आऊ ही नंदी क्यों गौशाला वाला इन छोट छोट की गौशाला वाले भी काफी साथी हैं तो उन ताई भी नहीं कहूँ भाई मैं तो रखा करूँ सो देख विनोद भाई मेरी सच्चाई है मैं रखूंगा कम लेकिन रखूंगा उतनी जितनी मेरी कैपेसिटी हो मैं यो काम कौन कराऊं कि एम्बुलेंस न भरवा कि ने और मैं छोरा ताई नू कह दू और बता दू जिस तरह कदे कोई नु सोचो इसके दौर छोरा को मेरे दौर आंडी तो आंडी टेरी का छोरा है भाई मैं उनका दौर गलत काम को नहीं कराऊं कदे भी मन तो अड़े कैमरा लगा रखे है गाड़ी हम जीपीएस लगवा रखे है कोई अभी आदमी आकिन चेक कर सका है ये सारा इन तोड़ रखे है तो भीतर भरे हो टांग टूटेड़ा को बैच यरी पचासी गां ये सारी उन आदमी जिस तरह करा कि भाई जिनका दौर किस्त कौन पट्टी वो छोड़ छोड़ के जाहे तुलना तो देखियो मुंह को बड़ पटे रही हो भाई जीव तो जाग तो उदाहरण है देखो आज भी सांस नहीं आ रही है सांस देखो सांस लेने में भी तकलीफ सांस के ऊपर का नाकाल तो ऊपर का सुरा कार्यो से और बराबर का ये गला फू ये पट्टा पड़या है ये तो अरे ठीक से बालक थोड़ी मिट्टी कर ली है बेचारा परमात्मा हिदायत तो जो बना हुआ नहीं तो यो मुंह को बड़ पटेड़ो डाल मत और कितने इसके खरोच ही नहीं है मुंह को बड़ पटेड़ो से यार मुंह तोड़ दियो तो डल्ला राय बताओ मैं मान जाओ और नहीं तो जी इस तरह गलत हो जाएगा परमात्मा है परमात्मा कर देगा आदमी के तत्के बच भी जाओगा तो यह है मेरा कहना है भाई मैं तो इन तैयार को वो माता को तो हिंदुओं की तो कहीं से कहीं जहां से आप बात कर रहे हो और ये उठाते हो मोस्टली वो हिंदुओं का क्षेत्र है मोस्टली और बदनामी दूसरे धर्मों को दे देते हैं ये मोस्टली या गा तो गा अलग जगह लाइडी है बच्ची या कुत्ता कान कून खा के खराब मट्टी करा की थी लेकिन यह फिर भी इसने दूध पियाओ है ये होती है या वह गऊ इस तरह जीत माँ को दर्जो दिए गो कि या किसी ने भी अड़े सी एक मारे तो काली गाह है तो ये उसका पांच बच्चा चुंगा दो थाने तो चार हूँ दूसरों से बाट देख लो तो जिद करके मानू को इनके साथ गलत ना करे नहीं तो कोई अनको थार के लिए गलत हो जाएगी अरे भाई और किसी तो बच गया तो परमात्मा दे गलत कराएगा उसकी तो सारा घड़ी चौकर दाओ गुम है लगता है सरकार को भी कोई एक्शन उठाना चाहिए ऐसा कानून बनाना चाहिए कि गौ माता के साथ इस तरीके के कुछ सरकार तो भाई बढ़िया बढ़िया बस स्टैंड है सारा आप आपकी प्रॉपर्टी बनाने लग रहे हैं आप बड़ा छोरा विदेश में भेज दिया आपकी राजनीति चला मुझे पांच क्या पार्टी है अपना हरियाणा चार पार्टी आम इंसान पागल हो रहे हैं इनका चक्राम ये राजगद्दी के खतर और पैसे के लिए ये रोड़ो करने लग रहा है जोर के है तो कदे इनका कौन से नेता घड़ी को देशी गाय नहीं पाओगी हर बार न जाएगी प्रचार प्रसार ऊपर हाथ करके जय गौ माता तो ये सब नकली पंथी की बात ही इनकी ज्यादा दूध के चक्कर में जैसे वो खड़ी है आपको तो उठाने पड़ते हैं जीव प्रेम भाई लेकिन बात करें हाँ वो दिखा दिए कदा भी उठाया जी मैं तो सारी चीजें जड़ता है मेरी लेकिन यह भी सच्चाई है भाई जहां तक मैं सक्षम हूं वहां तक मेरा जिस तरह मैं जितना कि मेरा साथी हम कर सका हूं उड़े ताई हम सीमित सही तो फालतू की कोई नहीं कदे तड़के कोई नू भी वीडियो भी बनाऊंगा कई दुश्मन आएगा दुश्मन मेरा भी घना बहुत सी तो मैं तो जड़ता है सक्षमता जो है उड़ेता है जिस तरह कराएगा लेकिन ज्यादा दूध के चक्कर में अलग तरह की मतलब वो आजकल रखवाया जा रहा है अलग जो हाँ। चिमक ऊपर करनी चाहिए मेरे तो देखे विनोद भाई ये बालक से है और भी ही आई जाही ये करी जाही बेचारा जिस हो भी हो ये चला जाऊंगा और आ जाऊंगा मैं तो देख ही नहीं कैसा करूं हूं मेरे पास कोई भी आदमी पैसे वाला नहीं है भाई जो पैसे में जो आदमी नहीं आया करे हैं मेरे दौर वो कोई भी आदमी को मेरे दौर एक सर्कल बाजी को काम है और यहाँ के ऊपर आने वाले भी सारा साथी मेरा सर्कल तो यहाँ उस एक आप मध्य प्रदेश से एमपी से गाय लेके आए हो तो आप कहते हो काम मुश्किल से चल पाता इतनी दूर गाड़ी गई तेल लग गया 10-15 हजार का तेल नहीं उसमें तो 18-20 हजार रुपया तेल तेल लग गया तो 5-4 हजार रुपया खर्चा आ गया गौशाला नहीं वो तो कटे ना उड़ो तो कड़ी खराब माटी एमपी यूपी का मैं
गुणी बहुत रोड के ऊपर मरी का पड़िया अपने तो हरियाणा फिर भी ठीक है मेरे भाई, हरियाणा गणो बहुत माहौल ठीक है, लेकिन राजस्थान क्या नाम है एमपी और यूपी के अंदर बहुत ही बुरा हाल है। रोड के ऊपर कम से कम भी 20-30 का तो कुत्ता खाऊंदा आखी देखे ताड़े, लेकिन वहाँ के ऊपर आड़त की मिसाई को नहीं आ रहे। और रोड के ऊपर मैं तो वीडियो बनाई भाई आड़ क्या यो देखो यो पाँच इसको पिछलो पाँच जो है वो कट रहे हो है, लेकिन इसको भी आराम था अपने साथी पेट भर दी भाई, इस तो बड़ी मेरे को खुशी दूर से नू ले अगला नू ले तेल गलवा देंगे कल ले जा हमने आप लोगों से उम्मीद है उड़े को साधन को नहीं लिया है भाई यार, बस ठीक आत्मा सो परमात्मा आना अपने यार ले प्लस्तर करा क्यों कच्चो एक दो दिन में अगर सेट हो गया ठीक से नहीं तो उसका पाको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो बच्चे काम करते हैं इनकी कोई फीस वीस होती है? कोई फीस नहीं है, ये सारा भाई सेवा का लायक सी सेवा करी जा और अपना गेलड़ा पाप तारण लाग रहा है सब ठीक है। तो यह हमरे भाई तो देखिए कालू कुरल की गौशाला, उस गौशाला में आप देख सकते हैं लगातार ये नया सेट बनाया है, तो इसका भी काफी कोस्ट तो रहा होगा, सहयोग मिल जाता सहयोग या मेरा एक सर्कल की मेरा एक भैया ही दिन है और इसके अंदर कोई भी पैसा कोई पर्ची वाला नहीं लगा हुआ, तो यार कोई भी काम हो रहे हो सब सर्कलबाजी तो चल रहा है, जो साथी आ जाए ही और कोई पाइप कोई टैंड कोई नू ही चली जाए अगर रगड़ कसो हो जिंदगी को नू ही पूरा हो जाओ कोई ना कोई यहाँ शुरुआत हुई थी तब लगा था कि मतलब ये सिस्टम इतना जम नहीं, पाएगा नहीं बिल्कुल भी उठाया कुछ नहीं तो जंगल था भाई, लेकिन ले बालकान कर्म करो और मैया ने उम्मीद हुई कि हाँ अरे कुछ ना कुछ बढ़िया करेगा, इनकी यह देन है और भैयाओं प्यार है उनको सहयोग है, खुद की खेत की जमीन थी अपनी है भाई सारी माटी भी आपा तो अपने ही मदे हाँ। और चलो शुक्र है यार बाप दा तो दारू पी की भेजा भाई पुंजड़ बैठ लिया घर वालों ने डाटा नहीं लो रिश्तेदार नहीं कहा घर वाला ही कौन मानना तो घर वाला अपना तो बड़ा थोड़ी है घर वाला ही कौन मानना भाई अपा गो भगत पर जिद्दी गो भगत आपा कोई गो भगत को नहीं नू है ठीक से अपने बैठा रहा आराम था अपना करी जाए बाड़ा के ले गो भगत तो क्यों थी इसके महात्मा मांगे है कर लिया भाई यार या रात को लाइव आते हो तब बड़ा गुस्सा दिखाई देता है चेहरे पर मोस्टली कई बार दिन में सारा दिन माथा ही पेची गिर दी है नकली और कौन कौन गड़बड़ बनेगी इनका गेली जीत पार पड़ेगी इतना कौन पार पड़े इलाज करना पड़ा है कि गड़बड़ करोगे हक्का किन कर देंगे सर हम लाइव चलाई करांगा करा जीत पी या त्याग रहा हूँ एक बार जीत देना मर जावा सुसरो कफन खुद को बुरा बहुत बताते हो कहते हो कई बार मैं तो कुत्ता बढ़िया कौन है बढ़िया कौन है पर एक आदमी इस धरती के ऊपर कोई आस के जो बढ़िया हो वही मेरे शाम आई दिखाओ भाई एक आदमी कोई भी तो मैं तुम तो घड़ो बुरा हूँ लाख बुरा हूँ मैं करोड़ों में गिनती हो जाए मेरी तो हाँ देखिए कड़ो कड़ल बिजी काफी है और गौशाला ये देख सकते हैं काफी यहाँ की वायरल तस्वीरें आपको देखी आपने देखी होगी इंस्टाग्राम वगैरह पे फेसबुक पे रील्स बना के डालते हैं कालू कुरुल गो भक्ति इन युवाओं की और बदलाव काफ़ी आ रहा है आने वाले वक्त में सुधार कितना होगा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि गौ माता के साथ अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ लोग पैसे कमाने के लिए जो अपने व्हीकल वगैरह को इस तरीके से दौड़ा देते हैं गौ माता को ऊपर से ही गिरा देते हैं इन्होंने बताया इन्होंने देखा होगा ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आएंगी तो हम भी दिखाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को भी ऐसा एक्शन उठाना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं रुकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें और इस गो भगत के बारे में इन लड़कों के बारे में जो युवाओं का टोल है इनके बारे में जरूर लिखें कमेंट में, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद राम राम जी।